हाय, माय नेम इज विकास चक्रवर्ती। आज जिस टॉपिक को लेकर हम आए हैं आपके सामने वो कौन सा है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना निकालना होगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना है तब की कंडीशन में एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज करते हैं वो किस पे चार्ज करते हैं, हमेशा ओपनिंग कैपिटल में। अगर कोई कैपिटल में विड्रॉ या ड्राइंग नहीं दिया हुआ, यानी विड्रॉ यानी कैपिटल से विड्रॉ कर रहा हो या ड्राइंग दिया हो, अदरवाइज एडिशनल कैपिटल ना दिया हो, तब की कंडीशन हम लोग क्या निकालते हैं कि ओपनिंग कैपिटल जो आती है वो जो प्रीवियस ईयर की जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वही हमारे इस ईयर के लिए क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल होती है, तो उसी पे इंटरेस्ट निकाला जाता है। लेकिन अगर इन केस अगर ऑलरेडी दिया हो कि ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन दे क्या रहा है कि उसमें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो चुका है, यानी एडजस्टमेंट हो चुके होंगे, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट का हो गया, प्रॉफिट हो या लॉस हो, एडिशनल कैपिटल हो गया, विड्रॉ या ड्राइंग हो, तब की कंडीशन में या सैलरी हो या रेमुनेशन हो, इसकी कंडीशन में हम लोग को क्या निकालना होता है वहाँ पे ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना किस पे है, ओपनिंग कैपिटल पे। तो उसके बाद जितने भी हमारे एडिशनल कैपिटल होती है उससे रिलेटेड हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो अब इसके लिए हम लोग को फाइंड करना होता है क्या, ओपनिंग कैपिटल। जब ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो अब दोनों के लिए ओपनिंग कैपिटल जब फाइंड किया जाता है वो दोनों अलग अलग होते हैं, यानी वो फिक्स कैपिटल की कंडीशन में ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने का अलग मेथड हो सकते हैं, यानी अलग चीजें कुछ आइटम आएंगी, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में अलग आएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कौन कौन से ऐसे आइटम है जिसकी कंडीशन में ये हो सकता है, तो ये देखते हैं। तो हम लोगों ने जब जैसे इसके पहले की भी बात किया हुआ है, फिक्स कैपिटल में कौन कौन से आइटम आते हैं, कितने टाइप से कैपिटल अकाउंट बनते हैं, कौन कौन सा अकाउंट बनता है, तब की कंडीशन में अगर हम लोग कैपिटल निकालना है, क्योंकि फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या होता है करंट अकाउंट। तो हमको यहाँ पे करंट अकाउंट से मतलब नहीं है, ओनली केवल किससे मतलब होता है, फिक्स कैपिटल से, यानी जो कैपिटल अकाउंट से। तो अब फिक्स कैपिटल की कंडीशन में क्या क्या चीजें आती हैं, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे है, हमने पहले से लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल, और पहला है फिक्स कैपिटल, दूसरा क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स कैपिटल को निकालने के लिए अगर कैपिटल में कुछ नहीं दिया हुआ, अगर ओपनिंग कैपिटल दिया होता तो हमने उसी बात है, हमने उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, जैसे इसके प्रीवियस वाले सेशन में हमने बात किया था कि ओपनिंग कैपिटल हो रही है तो कहां पे प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनेगा और कहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा और किस किस कंडीशन में होगी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई दिया नहीं है, केवल ओनली केवल कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल दे नहीं रहा है, तो उसकी कंडीशन में कुछ चीजें उसमें विड्रॉ भी किया होगा, कुछ चीजें उसमें इंट्रोड्यूस भी किया होगा, तो ऐसी कंडीशन हम लोग ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हमने फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दो पार्ट में डिवाइड किया। तो अब फिक्स कैपिटल की कंडीशन में क्या होती है, पहले क्या देखते हैं हम लोग, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। जो एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या हो गया, जो क्लोजिंग में जो हमारे कैपिटल हो रही है ओपनिंग, क्योंकि फाइनेंशियल चल रही है अप्रैल टू मार्च का, तो मार्च में 31 मार्च में जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल थी एंड ऑफ द ईयर में, तो वो क्लोजिंग कैपिटल लिखा, ठीक। अब उसमें क्या होगा, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, क्योंकि फिक्स कैपिटल में ड्राइंग नहीं आती कैपिटल अकाउंट में, ओनली वहां पे कब आता है, जब विड्रॉ ऑफ कैपिटल होते हैं, जब कैपिटल से हम विड्रॉ करते हैं तो हमारी कैपिटल क्या होती है वहां पर डिक्रीज होती है, तो यहां तो उसी का रिवर्स हो जाता है, यहां पर क्या एड किया, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉ ऑफ कैपिटल लिखा, तो एक अमाउंट आई। अब जिसके बाद उसके बाद फिर और कौन सी चीज आती है इसमें, हम लोग एडिशनल कैपिटल, जैसे अगर कोई इसने आफ्टर सिक्स मंथ, आफ्टर फोर मंथ या आफ्टर एट मंथ के बाद अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ होगा, तब की कंडीशन हमारी कैपिटल क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गया था, तो हमको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या लिखा, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर में किसी भी डेट में जो भी हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा उसको क्या किया, माइनस करना है, लेस किया यहाँ पे, तो उसके बाद हमारी क्या आती है कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी इसके बाद हमारी क्या आती है बिगनिंग ऑफ द कैपिटल आ रही है कि कैपिटल हमारी शुरुआत में कितने की थी। तो अब यहाँ पर हमका ओपनिंग कैपिटल फाइंड हो गया, अब जितने परसेंट भी करता है उस पर इस कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। अब अगर इनकेस अगर एडिशनल कैपिटल नहीं दिया हुआ है तब की कंडीशन तो बोलिए ओपनिंग कैपिटल पर निकलेगा, अगर एडिशनल कैपिटल दिया है जितने मंथ का दिया उतने मंथ का निकाल के कैलकुलेट कर देंगे तो उससे हमारी क्या आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। ये तो था फिक्स कैपिटल कंडीशन में। अब दूसरा मेथड आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले के सेशन में कि कैपिटल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल होता है, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। तो हम लोग कैपिटल फाइंड करना होता है तो कैपिटल के लिए ओनली केवल यही आइटम आते हैं। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ओनली केवल एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है, तो वो जो एक ही कैपिटल अकाउंट जब मेंटेन हो रहा है तब की कंडीशन में क्या है कि पहले से कोई कैपिटल नहीं दिया हुआ, केवल दे रहा है क्या, ओपनिंग कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन वो फाइंड करना है
और उसमें क्या क्या दिया हुआ है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी हुआ, उसके बाद कमीशन हुई, प्रॉफिट हुआ, एडिशनल कैपिटल हुआ, ड्राइंग दिया है। तो इससे हम लोग को निकालना होगा कि हम लोग को कितना ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कंडीशन में हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कंडीशन में क्या होगा, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या, उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी क्लोजिंग डेट में जो हमारे क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा वो कैपिटल लिखा, उसमें ऐड क्या करते हैं, ऐड ड्राइंग। अगर जो ड्राइंग कर रहे हैं विड्रॉ किया हुआ है फॉर पर्सनल यूज के लिए, वो मंथली वाइज हो सकता है, क्वार्टरली वाइज हो सकता है, या एक फिक्स अमाउंट हो सकती है, जो भी हुआ उसको क्या किया, ड्राइंग को ऐड किया। अब उसमें ऐड क्या हो रहा है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है तो भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड और क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये भी हमारी किस्में आती है, ऐड हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड किया। उसके बाद अगर इन केस अगर लॉस हो रही है तो हमारी लॉस हो रही है तो भी हम लोगों ने क्या किया, शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर, जो हमारे ईयर में जो लॉस हो रही है उसको भी ऐड किया। इन सबको ऐड करने पे एक अमाउंट है। अब इसमें से माइनस कौन कौन से आइटम होंगे, माइनस की कंडीशन में कौन कौन सा आएगा, पहला एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर में भी सेम, अगर क्वार्टरली हाफ ईयरली किया होगा, यानी आफ्टर सिक्स मंथ या आफ्टर फोर मंथ, एट मंथ, जितने मंथ के बाद किया होगा जो भी कैपिटल, एडिशनल कैपिटल उसको निकाला। अब क्या है, अगर पार्टनर को सैलरी या रेमुनेशन दिया गया होगा तब की कंडीशन में वो भी क्या किया गया, इसने माइनस किया। उसके बाद फिर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ, हम लोग को निकालना, अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना और ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुका है और हम लोग को फाइंड करना ओपनिंग कैपिटल, तब की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया, यहाँ पे माइनस किया। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, अगर जो प्रॉफिट हो रही है, अगर इनकेस लॉस हो रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, ऐड कर रहे थे, तो लॉस प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो गया। उसके बाद जो आएगी कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी जो कैपिटल आएगी वो बिगनिंग का आएगा, तो हमारे इस हिसाब से क्या निकालते हैं, कैपिटल निकालते हैं। अब ये तो था फिक्स कैपिटल कंडीशन में कैसे कैपिटल निकाला जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैसे निकालता है। फिर से एक बार फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं फिर से बता देता हूं। अगर फिक्स कैपिटल है तभी कंडीशन में कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, एड विड्रॉ ऑफ कैपिटल, जो भी कैपिटल विड्रॉ किया हुआ है उसको ऐड किया तो एक अमाउंट आई। और उसके बाद फिर अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ तो उसको क्या किया करेंगे, माइनस किया, तो हमारी क्या आ गई, कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ये किसकी कंडीशन में आता है, फिक्स कैपिटल की कंडीशन में। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब की कंडीशन में क्या आएगा, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी कैपिटल एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ वो, प्लस एड ड्राइंग, जो भी जितने भी ड्राइंग क्या होगा वो मंथली वाइज हो, क्वार्टरली हो, या एक फिक्स अमाउंट होगी तो वो ड्राइंग जितने भी आ रहा है वो। फिर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है तो उसको भी ऐड किया। फिर शेयर ऑफ लॉस, जो भी लॉस आ रही है इसको भी प्लस किया। अब की कंडीशन में इसके प्लस करने के बाद एक अमाउंट यहाँ पे आ रही है, इन तीनों को ऐड करने के बाद, यानी कौन से कैपिटल, एड ड्राइंग, कैपिटल में क्या क्या ऐड किया, तीनों ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस किया, एक अमाउंट है यहाँ पे। अब इसके बाद माइनस क्या क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, अगर एडिशनल कैपिटल हो रही है तो ड्यूरिंग द ईयर में, तो उसको क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं। माइनस करने का, अगर एडिशनल कैपिटल आपका सिक्स मंथ, एट मंथ, जैसा भी दिया होगा, उसके बाद उसको माइनस करने के बाद और क्या क्या चीज इसमें माइनस करते हैं, पार्टनर्स सैलरी एंड रेमुनेशन, जो भी पार्टनर की जो भी सैलरी हो रही है या रेमुनेशन हो रहा है उसको ही माइनस करने के बाद, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दे चुका गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना था ऑलरेडी दे चुकी है, तो आपकी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी कंडीशन में उसको ही माइनस किया। ये सब आइटम किसमें आ रहे हैं, माइनस में। करने के बाद जो हमारे नेट रिजल्ट आ रहा है वो क्या गया, कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी हमारी जो ओपनिंग कैपिटल आ गई है वो कैपिटल ऑफ द बिगनिंग ऑफ द ईयर आ गया। इस टाइप से तो था कि हमको अगर फिक्स कैपिटल कंडीशन में होगा तो कैपिटल कैसे फाइंड करना होगा ओपनिंग कैपिटल में, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कंडीशन में होगा तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग कैपिटल कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में, कि एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे कि कैसे एक फिक्स कैपिटल कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। अगर आपको ये चीज अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। थैंक यू।